उत्तराखंड के ऋषिकेश में आज एक हादसा हो गया। दरअसल मामला ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला क्षेत्र के अंतर्गत घट्टू घाट का है, जहां एक रिजॉर्ट मालिक और कर्मचारियों की लापरवाही के चलते एक 4 साल की मासूम की जान चली गई। पुलिस का कहना है कि रविवार को परिवार राजस्थान से ऋषिकेश की ओर घूमने आया था। सोमवार को परिवार सहित थाना लक्ष्मण झूला क्षेत्र के घट्टू घाट स्थित रिजॉर्ट क्रिक में रुके थे। रात करीब 8:30 बजे जब रिजॉर्ट से जाने के लिए तैयार हुए तो उनका बच्चा उनके पास नहीं था। रिजॉर्ट में चारों तरफ अंधेरा और झाड़ियां होने के चलते काफी देर तक ढूंढते रहे, लेकिन बच्चा स्विमिंग पूल में बेहोशी की हालत में मिला, जिसके बाद उसे फौरन ही इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। एम्स अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा वहां बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया। बच्चे के परिवार का आरोप है कि रिजॉर्ट में स्विमिंग पूल पर कोई सुरक्षा गार्ड और लाइफ गार्ड नहीं था। यहां पर लाइट की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। वही थाना प्रभारी का कहना है कि प्रथम दृष्टया बच्चे की मृत्यु स्विमिंग पूल में डूबने और रिजॉर्ट प्रबंधन की लापरवाही से हुई है। परिजनों ने भी रिजॉर्ट प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद आम जनता की सुरक्षा के दृष्टिगत रिजॉर्ट के मानकों की जांच कराई जाना आवश्यक है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजकुमारी।